सुजानपुर की बैरी पंचायत में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में 15 पंचायतों में लगभग 500 गैस सिलेंडर कनेक्शन हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत आवंटन किया गया। कार्यक्रम में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सुजानपुर की बैरी पंचायत में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में 15 पंचायतों में लगभग 500 गैस सिलेंडर कनेक्शन हिमाचल प्रदेश गृहिणी सुविधा योजना के तहत आवंटन किए गए। कार्यक्रम में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। धूमल ने संबोधन के दौरान स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण भी याद करवाया कि जब युद्ध के दौरान उन्होंने लोगों को हर हफ्ते उपवास रखने का आह्वान किया, जिससे वीर सैनिकों के खाद्य आपूर्ति को पूरा किया जा सके, और पूर्व प्रधानमंत्री के कहने पर देश के करोड़ों लोगों ने उपवास कर अपने वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, और उसी तरह हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश की माताओं व बहनों को लकड़ी और कोयले के धुएं में अपने जीवन को बिताते देख पूरे देश में उज्ज्वला गृहिणी योजना देखकर हर मातृशक्ति को कई बीमारियों से मुक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी पूरे देश से गैस सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया था, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ी और 16 लाख लोगों को देश के प्रति जागरूकता देख अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 8 करोड़ गरीब परिवारों को मुफ्त में चूल्हा व सिलेंडर उपलब्ध करवा चुके हैं। धूमल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि वे हमेशा पूछती हैं कि डबल इंजन विकास कार्य कहीं दिखाई नहीं देता, तो उन्हें अपनी आंखें खोलकर जनता रूपी चश्मे से जनता के बीच रूबरू होंगे तो उन्हें खुद पता लग जाएगा कि डबल इंजन से काम चल रहा है। जहाँ केंद्र सरकार ने उज्ज्वला गृहिणी योजना चलाकर लगभग 8 करोड़ लोगों को उज्ज्वला गृहिणी योजना के तहत जोड़ा है, और जो महिला केंद्र सरकार की योजना में शामिल नहीं हो पाई उन्हें हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार ने 2.5 लाख कनेक्शन हिमाचल गृहिणी योजना के तहत देकर मातृशक्ति को लाभान्वित किया है। कार्यक्रम के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर, पूर्व मंडल अध्यक्ष कैप्टन रंजीत सिंह, महामंत्री पवन शर्मा, उपाध्यक्ष अंजना ठाकुर, प्यारचंद, मीडिया प्रभारी विनोद ठाकुर, बैरी पंचायत प्रधान रेखा शर्मा व भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उन्होंने एक अपील की कि जो लोग सब्सिडी वाला सिलेंडर छोड़ सकते हैं, जिनकी आमदन ठीक है, वो छोड़े। आपको याद होगा 1965 में जो पुराने लोग हैं, जब युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ, तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था एक टाइम खाना मत खाओ, सोमवार शाम को व्रत रखो, और देश के करोड़ों लोगों ने तब से खाना छोड़ा था एक टाइम का, सोमवार के दिन। दूसरा उदाहरण उसके बाद नरेंद्र मोदी जी का है, जब इन्होंने कहा कि सब्सिडी वाला सिलेंडर छोड़ दो, तो बहनों और भाइयों 1.25 करोड़ लोगों ने कहा हम सब्सिडी नहीं लेंगे, हम छोड़ते हैं। 1.25 करोड़ लोगों ने कहा हम नहीं लेंगे। मोदी जी ने कहा 1.25 करोड़ ने छोड़ा है, मैं 8 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर कनेक्शन और चूल्हा हर घर तक पहुंचाऊंगा, ये काम उन्होंने करके दिया। बैरी से थोड़े पीछे तक जब हम आ रहे थे तो बादल का अंधेरा था, तब थोड़े आगे आए तो लगे थोड़ी सी धूप निकल आई, थोड़ा उजाला हो गया, उजाला हो गया। गाड़ी में बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कि मोदी जी ने उज्ज्वला योजना चलाई तो उजाला यहाँ बैरी के मंदिर में भी आपके पास हो गया, और जब गैस आपके घरों में रसोई में जलेगी तो जो धुआं होता था, धुएं का अंधेरा होता था, वो खत्म होगा, उज्ज्वला होगा, उजाला होगा, रोशनी होगी।